नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ओलंपिक खिलाड़ियों से बातचीत में बोले पीएम मोदी, खेलो इंडिया को और ज्यादा देंगे तवज्जो। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खुला। इसरो का ऐतिहासिक कदम, SSLV D3 किया गया लॉन्च। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार सख्त, संस्थान को 6 घंटे के अंदर दर्ज करानी होगी FIR। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 18 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन, 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। कोलकाता रेप मर्डर केस में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने कहा, ये राज्य मशीनरी की नाकामी। कोलकाता रेप मर्डर केस में हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने वाले 24 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बंगाल में रेप मर्डर मामले में न्याय की मांग करते हुए बीजेपी का कोलकाता में प्रोटेस्ट। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ा पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में 30 अगस्त को तय होगा आरोप। जम्मू कश्मीर में चुनाव ऐलान से पहले 200 सिविल और पुलिस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी बोले, 5,20,000 किसानों के खातों में भेजी गई 525 करोड़ की किश्त। यूपी के लखनऊ में पकड़ी गई 1,38,00,000 की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खेप। पटना के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह आई जेल से बाहर, हाईकोर्ट ने किया था बरी। बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल कैटेगरी में फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला। ताइवान में आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।